यार ये जो पिलर्स बने हैं इसके बीच में चलने का नज़ारा ही बहुत ही बेहतरीन है। और सामने की साइड आप देख पा रहे हैं ये जो घाट का डेवलपमेंट किया गया है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अगर आप लोग यहाँ से उतर के जाते हैं तो मान लीजिए सुसाइड एरिया होने वाला है आपके लिए। इधर आप देख पा रहे हैं इधर एक साइड हेलीपैड और उस साइड पर अगर देखेंगे तो उस साइड पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है। ये है नीचे की साइड जहाँ से हमने आपको दूरी से दिखाया था, तो ये है शाही नाला। यहाँ का ऑडियंस अभी आप देख पा रहे हैं ये है सामने की साइड जो कि ऊंचाई पे राजघाट डिसेंट स्कूल। हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। अभी हम आ चुके हैं बनारस में और बनारस में अभी हम विजिट किए हैं नमो घाट का सेकेंड फेज जो कि अभी बन के हो चुका है तैयार। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पे चल रहा है जो कि हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये सेकेंड फेज का कितना चीज़ें कम्प्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी आपको जो कि क्या क्या सुविधाएँ मिलने वाली यहाँ पे, तो आइए आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको यहाँ का नमो घाट का सेकेंड फेज जो कि बन के तैयार हो चुका है। और जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वो चीज़ आपको हम इस वीडियो में पूरा फुल विजिट कराते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को किसी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। और अभी आप देख पा रहे हैं ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जो कि ये अलॉट किया गया है। ये एरिया जो है पार्किंग का एरिया है और ये जो बोर्ड लगाया गया इंडियन ऑयल वालों की तरफ लगाया गया जो कि आगे देखिए वहाँ पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विसर्जन कुंड बनाया गया जो कि आप नीचे के साइड देखेंगे तो ये जो विसर्जन कुंड का नज़ारा है आप देखेंगे ये छोटा टाइप का तो है ही, बट ये जो नज़ारा आप देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको बड़ा ही लगेगा क्योंकि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं दोनों साइड से। और आगे की साइड आपको चलिए हम दिखाते हैं उधर साइड पे क्या चीज़ें बनी है जो कि डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। इधर साइड आप देख पा रहे हैं जो कि शौचालय बनाया गया है सामने की साइड पर, और इधर बैठक बैठक स्थल बना दिया जो कि पेड़ के नीचे आप देख पा रहे हैं। और इस साइड तो इसको पूरा बाउंड्री कर दी गई है, जिधर से आप उधर से नहीं आ सकते, इधर से ही सिर्फ इसे एंट्री ले पाएंगे आप लोग इधर के साइड पर। और इसी बीच में आप देख पा रहे होंगे ये जो कि बरगद के पेड़ के नीचे के आप साइड भी देख पाएंगे, यहाँ पे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है, लोग यहाँ पे आके इनकी पूजा श्रद्धा करते हैं आप ही देख पा रहे हैं। और इस साइड पे आप देख रहे हैं ये क्या है जो कि वहाँ पे हम चलने के बाद आपको वहाँ का नज़ारा दे पाएंगे क्या चीज़ आगे की साइड पर जो बनी है, तो चलिए आपको आगे चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं वो चीज़ क्या है सामने की साइड पर। अगर बात करें इस साइड की तो इस साइड पर जलपानशाला बनाया गया है जो कि आप साइड पर देख पा रहे हैं लिखा है जलपानशाला कैफे टी एरिया। और इस साइड पे देखिए पूरे गार्डनिंग की गई जो कि पेड़ पौधे इधर साइड पर लगाए गए हैं, और इसके पीछे पे आप देख पा रहे हैं इसके फ्रंट पे तो इधर भी ये चीज़ें पेड़ पौधे गार्डनिंग की गई है, लोगों को बैठने के लिए बना दिया गया है यहाँ पे जो कि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ का लग रहा है। और जो कि इससे आगे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे बैक साइड पर यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था रखी गई है जो कि वाटर कूलर हैं, बट ये भी इसको ऑन नहीं किया गया है। जब ये ओपन कर दिया जाएगा तो ये वैसे तो इसका उद्घाटन कर दिया गया बट अभी इसको ओपन नहीं किया गया क्योंकि कुछ डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं जो कि अभी ओपन नहीं है। और सामने की साइड आप देखेंगे ये जहाँ पे कैफे बनाया गया उसी के जस्ट बगल में आप पानी पीने की व्यवस्था हर चीज़ आपको मिलने वाली है। और इसके आगे चलते हैं आपको इसके भी आगे दिखाते हैं वीडियो में वहाँ पे क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और वैसे तो आप इस साइड पर देख पा रहे हैं ये जो घाट का डेवलपमेंट किया गया है तो ये नज़ारा तो भाई बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से जो कि इस साइड में आप देख पा रहे हैं पूरे नदी का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से कैफे के एरिया के पास से। और उस साइड पर जाने के लिए तो वो जो पॉइंट बनाया गया वो छोर वहाँ से है, आप लोग तो उस वाले घाट पे चल सकते हैं जो बनाया गया है। और वो चीज़ें क्या बनी है वहाँ पे मेरे को चलने के बाद में पता चलेगा। और नीचे के साइड में देखिए यहाँ पे ये बना यहाँ पर शाही नाला जो बनारस का बहुत ही फेमस है। ये देखिए भाई मेरे साथ बिना भाई बता रहे हैं क्या है, क्या भाई पूरे बनारस का कहा जाता है कि इसमें जो है गटर का जो पानी होता वो आता था, अभी फिलहाल में इसको बंद कर दिए हैं और इसे चलता था, रीजन नहीं पता क्यों अभी बंद है, एकदम से बंद कर दिए हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए बंद किए हैं इसको। लेकिन ये नाला अंग्रेजों टाइम पे क्योंकि इसको जब साफ़ करवाया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा जो है बजट जो है खर्च किया गया था इसको साफ़ करवाने में, क्योंकि पानी जो गटर वाला था उसको फिल्टर करके इसमें डाला जाता था साफ पानी। लेकिन फिलहाल अभी देखो बंद है और यहाँ पर जो है घासें उसे उग गई हैं तो दिख नहीं रहा। अभी पास से आप सभी को दिखाएंगे कि शाही नाला कैसे था उसके एकदम पास से लेकर के। तो जो कि विनय भाई ने ये चीज़ें बताया जो कि मेरे को नहीं पता थी, इन्होंने पहले ये चीज़ें जानकारी प्राप्त कर ली तो आपको बताया इस वीडियो में, तो चलिए हम आपको वहाँ पे ले चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको सीन देते हैं कि शाही नाला जो बना था कैसे बना था। सभी तो हम शाही नाले के ऊपर आ चुके हैं जो कि यहाँ का देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का सामने का, जैसे कि लग रहा है पूरा पहाड़ी एरिया भाई। ये तो घाट का एरिया जो कि ऊँचे की साइड पर पूरा पड़ जाता है, इधर पूरा टीला पड़ जाता है, उस साइड पर एक स्कूल भी खोला गया जो कि हम चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको हर चीज़ें। उससे पहले तो देखिए जो नाला है ये शाही नाला है जो कि आइए हम नीचे के साइड से आपको दिखा देते हैं। पब्लिक लोग जो आप देख पा रहे हैं ये है नीचे के साइड जहाँ से हमने आपको दूरी से दिखाया था, तो ये है शाही नाला यहाँ का जो कि एक थोड़ा गटर के टाइप का ये बन चुका है। सामने की साइड आप देख पा रहे हैं जो पानी है पूरा आके यहीं पे रुक रहा है। और ये देखिए जो इसकी पेंटिंग डेंटिंग चल रही है अंकल लोग कर रहे हैं यहाँ पे,
और ये जो नाला है आप देख पा रहे हैं, जो कि इसका अरेंज फटाका हर चीज़ भाई बनाया गया, जो कि नीचे जाता है ऊपर जाता है हर चीज़, ये तो अभी पूरा बंद हो चुका है। और आइए दिखाते हैं आपको जो कि ये ऊपरी टीले पे बनाया गया है एक, जो कि स्कूल बनाया गया है। तो चलिए आपको वो चीज़ हम दिखाते हैं जो कि कितना ऊँचाई पर है वो, जो कि उस साइड से यहाँ से नज़ारा आपको दिख रहा है उस स्कूल का भाई। जो ये स्कूल है इधर से है कि उस साइड से? उस साइड से है जो वो स्कूल है भाई, वो उस साइड से है। तो चलिए हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जो कि उस स्कूल का, राजघाट बीसेंट स्कूल, जो कि इस नाम से इसको रखा गया है। ये है सामने के साइड जो कि ऊंचाई पे राजघाट बीसेंट स्कूल। और ये देखिए जो कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एरिया बनाया गया है, जल क्रीड़ा स्थल, जो कि हिंदी में आप लोग जान ही सकते हैं। और इस साइड पे आप देख पा रहे हैं जो कि कैंटीन बनाई गई, क्या बनाई गई मेरे को तो इसमें वीडियो में नहीं पता, और जब ये ओपन हो जाएगा तो हम आपको यहाँ का एक अलग ही वीडियो देंगे जो कि आप लोग जान पाएंगे। और सामने की साइड देखिए जो स्पोर्ट एरिया बनाया गया है, और सामने की साइड आप देख पा रहे हैं ये जो घाट का डेवलपमेंट किया गया है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अगर इसको पेंट कराया जाए या ना पेंट कराया जाए तब भी ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा हर बार। और ये वैसे तो ये पेंट वेंट हो चुका ही है। और ये देखिए सामने के साइड ये घाट कितना बेहतरीन लग रहा है भाई। और बात की जाए पानी के, तो जो गंगा नदी का जलस्तर थोड़ा नीचे चला गया है, ऊपर की साइड जब आएगा तो ये घाट को टच कर देगा, इतना तो उम्मीद है टच कर देगा, या तो ऊपर भी आ सकता है भाई, अगर बढ़ेगा तो आ ही जाएगा। और आप देख पा रहे उधर पूरा जो क्रीड़ा स्थल बनाया गया है वाटर स्पोर्ट एरिया, इधर देखिए नाव आ चुकी है, इधर जब क्रूज रूज आ जाएंगी हर चीज़ तो बड़ी बड़ी नाव लग जाएंगी आप लोग को, यहाँ से लेके पूरा दशाश्वमेध घाट तक या लास्ट के घाट तक आप लोग को लेके जाएंगी, आप लोग पूरा मजा ले पाएंगे पूरा नदी में घूम के। यार ये जो पिलर्स बने हैं इसके बीच में चलने का नज़ारा ही बहुत ही बेहतरीन है। बात की जाए यहाँ तो वीडियो शूट करने के लिए, ये जो सॉन्ग वॉन्ग की अगर लोकेशन देखी जाए तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है यहाँ की लोकेशन, जो कि किया जाए इसकी बखान। लाइटिंग अगर जलती है रात के समय तो बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है, और भी बेहतरीन भाई। ये आप पिलर्स देख पा रहे हैं यहाँ के कितने मोटे मोटे बने हैं, जो कि ये पत्थरों से बनाए गए हैं, इसको सीमेंट मोरंग से नहीं पत्थरों से बनाया गया, इसको डेवलप किया गया है। ऑडियंस जो एरिया मैनेजमेंट किया गया है, ये डेवलपमेंट इसका किया गया लास्ट घाट पे, जो कि नमो घाट एकदम लास्ट घाट ये बनाया गया है। डेवलपमेंट जो इसका हुआ है, ये एरिया जो है मल्टीपर्पज़ एरिया है, आप जिस काम में चाहें उस काम में इसको ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप मानना चाहें तो इसको अगर हेलीपैड बना सकते हैं तो हेलीपैड भी बना सकते हैं, यहाँ पर जिसको उतारना हो तो यहाँ पर आके उतर भी सकता है। हेलीपैड की बात की जाए क्या की जाए तो यहाँ तो जो भी चीज़ अगर आप लोग चाह रहे हैं वो चीज़ें हो सकती है। अगर पार्किंग बनाई जाए तो पार्किंग, मल्टीपर्पज़ एरिया मतलब आप जो समझ पा रहे हैं हर काम में इसको उपयोगिता ली जा सकती है। इधर आप देख पा रहे हैं इधर एक साइड हेलीपैड, और उस साइड पर अगर देखेंगे तो उस साइड पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है। और इधर से देखिए ये जो घाट का नज़ारा है, आगे की साइड बहुत सारी नाव खड़ी हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो में चल के, जो कि आगे जो मिले भाई आप देखिए पहले ही पहुँच चुके हैं हर जगह मुझसे। ऑडियंस अगर बात की जाए तो ये जो एरिया डेवलपमेंट किया गया है ये है सुसाइड एरिया यहाँ का नमो घाट का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये बात की जाए भाई देखिए ये तो यहाँ पर बंद किया गया, अगर आप लोग यहाँ से उतर के जाते हैं तो मान लीजिए सुसाइड एरिया होने वाला आपके लिए। और उधर देखिए पूरा घाट उधर भी डेवलपमेंट किया गया, जो कि इसके रास्ते भी डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, घाट तो है। और उधर देखिए पूरी नाव, वो बड़ी बड़ी नाव सब उधर पे ही खड़ी हैं, उन लोग अपना रहने खाने का ठिकाना बना लिए हैं वो लोग, मछुआरे लोग भी अगर आप देख पा रहे सामने की साइड पे। तो ऑडियंस मैं इस नमो घाट के सेकेंड फेज वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से जुड़ी हर चीज़ें दिखाई जो जो यहाँ पर डेवलपमेंट किए गए हैं, और जो भी कार्य यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहे हैं, थोड़े थोड़े कार्य जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं मैंने आपको हर चीज़ें से वाकिफ कराया, जानकारी दी। और ये जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे जब सब लोग आने लगेंगे, अभी तो वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया, बैरिगेटिंग कर दी गई है जहाँ से लोग नहीं आ पा रहे हैं, जब इसको ऑन कर दिया जहाँ पे सब लोग आएंगे तो मैं आपको यहाँ की एक फुल वीडियो फिर से दूंगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से आपसे समाप्ति चाहता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय ऑडियंस, बाय बाय।